हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लौकी का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, लौकी के मुठिये। वो एक गुजराती फरसान है और ये आप कभी भी नाश्ते के टाइम में या आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसको बना के दे सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लौकी ली है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके छिलके निकाल देंगे और इसमें लौकी से ही मुठिया बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, इसलिए इसमें लौकी का ज़्यादा यूज़ करें आप, पानी का हो सके तो यूज़ ना करें। इस तरह से हम लौकी के छिलके उतार देंगे और दोनों साइड से थोड़ा सा हम इसको काट लेंगे। अब हम इसको बड़ी वाली छन्नी से इसको थोड़ा सा कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको कद्दूकस कर लेना है और लौकी देखिए इस तरह से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे और लौकी का मात्रा ज़्यादा रखना है इसमें, इससे मुठिया बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं लौकी से। और ये हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। ये दलदला वाला आटा है, फाइन वाला आटा यूज़ नहीं करना है। 1/2 कप बाजरी का आटा डाल देंगे और 2 टेबलस्पून में यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ। अब फ्रेश पालक डाल देंगे, हरा धनिया और फ्रेश मेथी है, इसको अच्छे से वॉश करके बारीक काट के इसमें डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और भाजी वैसे ही बहुत हेल्दी होती है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन चिली, गिंजर और गार्लिक की पेस्ट डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ग्रीन चिली का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली डाली है, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, उससे है ना मुठिया बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और थोड़ा हम खाने का मीठा सोडा आता है वो डाल देंगे, 1/4 टेबलस्पून जितना, और 1 लेमन डाल देंगे ताकि सोडा है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखना है इसमें ज़रूर पड़े तो ही हम पानी का यूज़ करेंगे, वरना इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे। और मैं इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, ऐसे ही मैं लौकी से ही इसका डो रेडी कर लूँगी, क्योंकि सिर्फ लौकी से हम इसे बनाते हैं तो ये मुठिया बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें पानी का यूज़ कर सकते हो। अब इसे हाथों की मदद से इसे गोल गोल घुमा के इसे शेप में इसको मुठिया रेडी कर लेंगे इस तरह से। और मैंने पहले से स्टीम गर्म करने के लिए रख दिया था। इसी तरह से हम सारा डो को इस तरह से बड़े वाले लुए में रेडी कर लेंगे इस तरह से और इसको स्टीम कर लेंगे। और ये सारा मुठिया मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको स्टीम होने देना है। 10-15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं चप्पू की मदद से। और ये देखिए चप्पू हमारा क्लीन आ रहा है, इसका मतलब हमारा मुठिया स्टीम होके रेडी हो गया है। और ये देखिए कितना अच्छा फुल के ये रेडी हो गया है। अब हम इसको पीसीस में कट कर लेते हैं। इस तरह से हमें गोल शेप में इसको कट कर लेना है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा मुठिया बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें सारे मुठिया पीसीस में कट कर लेना है। और ये देखिए मैंने सारे कट कर लिए हैं। और ये देखिए कितने जालीदार और सॉफ्ट हमारे मुठिया बनके रेडी हो गए हैं। इसके लिए हम अब तड़का लगा देंगे। तड़के के लिए मैंने 3-4 टेबलस्पून ऑयल गर्म कर लिया है, थोड़े से रायदाना डाल देंगे, थोड़ी सी हींग, इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, तिल और मेथी डाल देंगे। मेथी और तिल डालने से इसके तड़का में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मुठिया में। और इसको थोड़ी देर ऐसे ही चटकने देते हैं। अब हम इसमें जो हमने मुठिया कट कट के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसको चला लेंगे ताकि इस तड़के का इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए।
और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा इस तरह से हमें ऑयल में इसको डालेंगे तो। अच्छे से मिक्स कर लेना है और तिल और मेथी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो ये ज़रूर से डालना है इसमें। और ये हमारा लौकी का मुठिया बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं और ये आप शाम के टाइम में नाश्ते में या सुबह नाश्ते में या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हो। ये वो खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी है। और आप सिर्फ इस लौकी से भी आप इसको बना सकते हो तो भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये हमारा लौकी का मुठिया बनके रेडी हो गया है।